आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल डीके वंदना के ब्लॉग पे। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो हम भी अच्छे और मस्त हैं क्योंकि ठंडी का टाइम है, तो सारी व्यवस्था हो गई है। कल ये वंदना जी मेरे लिए लेके आई हैं, बोल रही थी काफ़ी दिन से कि आप मफलर ले लो, कैप ले लो, इतनी ठंडी है आप लगाते नहीं हैं और बाहर जाते हो ऐसे ही रहते हो बिना ठंडी में। तो कल अमित, किट्टो और वंदना जी गई थी मार्केट में, तो वहाँ से ये हमारे लिए खरीद के लाई हैं। अमित ने भी ऐसा ही खरीदा हुआ क्योंकि अभी इसका फैशन है, तो यही चल रहा है, इसको ऐसे कर लो। पूरा गला भी बंद रहेगा, मास्क का भी काम करेगा, बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगा, गर्म रखता है एकदम। तो देख सकते हैं धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, और गांव में यानी हमने घर पे भी फ़ोन किया तो वहाँ भी बारिश हो रहा है। कल प्रतापगढ़ से हमारी सिस्टर ने फ़ोन किया था, वहाँ भी बारिश हो रहा है। ससुराल में भी बारिश हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन धूप तो 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा है। एक बार आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखाते हैं, ठंडी का मौसम आप लोगों को दिख रहा होगा, धूप देख सकते हैं, कहीं भी आप लोगों को धूप नहीं दिखेगा। सब ठंड में सोच सकते हैं मजदूर लोग कैसे काम करते हैं, ये देखिए। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। पैर तो ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं रखा रहा है, ऐसे पैर मैं करके चल रहा हूँ। अब कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं फैन चालू है कपड़े सूखने के लिए। क्या करें, कपड़े उपड़े सूख ही नहीं रहे, इंसान क्या करेगा, पंखा ही चालू करेगा। ऋषभ, तो आप लोग भी ठंड से बच के रहिए क्योंकि ठंड भी नुकसान करता है, गर्मी आ जाती है तो गर्मी भी नुकसान करता है। बाबू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी भी आ रहा है। ऋषभ को भी खांसी आ रहा था लेकिन अभी सही है ऋषभ, और बाबू का थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगा। कल हम लोग निकलेंगे सचिन मनीषा के घर के लिए, हो सकता है रात को भी निकल सकते हैं या कल भी निकल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, जैसा होगा आप लोगों को वीडियो को पूरा देखने को मिलेगा। और मिलते हैं कुछ देर बाद, देखते हैं अंदर घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों बहनें तैयार हो रही हैं, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाना है कि नहीं जाना है। गुन्नुआ उधर चिल्ला रहा है तब कहाँ जा रही हो तैयार होकर, मार्केट उठ जा रही हो क्या? बाबा के पास। बाबा कौन? बाबा कृतिक के पास, वो भी तो बाबा है। बाबा तो बाबा हुए हमारे, चाहे मैं कृतिक को समझ चाहे बच्चा को समझ। क्या आँख में लग रहा है, लिखी तो तुम्हारे गए अपने धोखा दो। क्या हुआ? टोपी निकाल रहे हैं। किसका? ऋषभ का? मेरा। बाबू हम लोग तैयारी हो गई, और ये रख दो इसी में, मैंने ये पहन लिया हूँ तो क्या उसको निकालना, वो पहन के सोने के लिए केवल। बाबू तो कुछ भी पहन ले, चले ठंडे में। बाला 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 बाला। तो मैं गया था, सेविंग भी करा लिया हूँ क्योंकि भाई सचिन के यहाँ तो रात को पहुँचेंगे और कल हो जाएगा शनिवार, तो शनिवार को नहीं बनाते हैं और संडे को काफ़ी भीड़ हो जाता है, तो हम गए बनाओ ना कि क्यों चलते हैं। बाबू को नहीं खिलाए भाई, ये छोड़ के जा रहे, बता भी नहीं रहे। पकड़ो यार बाबू के लिए भी। बाबू बाबू दो गुन्नुआ देखो ठंडी में ग्लव्स लगा के सब मोजा उजा पहन के एकदम टनाक टन हो गया है, मंकी वाला टोपी पहन के, क्योंकि इसको सर्दी हुआ है। नो जी इसका बहता रहता है, नो जी बहता रहता है। इधर देखो, इधर देखो, बा 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 बा।
केवल दिन भर बाला वाला गाना बा 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 ना बा 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 बा। तो ये किट्टू का है और ये हमारा है बैग। बन्ना जी को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा होगा, एकदम टंच हो रखी है। जा रहे शेडिंग भी बनवाना है रास्ते में, चलो जल्दी से बनवाएंगे, थोड़ा सा बना बना लग रहा है। रास्ते में बनवाएंगे, इनका हद नहीं हो गया। कहाँ बनवाओगी, कल बनवा लेना। बोले चलो साथ में तो बनवा लेती होती है। वहाँ वहाँ जाएंगे, फिर वही मार्केट जाना पड़ेगा। ये जूता पहना दो बाबू को, चलो बाबू जूता पहना, बाबू जूता, बाबू जूता पहनो, पहनो पहनो यार, तुम बड़े दुखी करते हो। मोजा तो पहनाए हो, मोटा क्या करोगे, जूता पहना कर पहना दो। फाइनली हम सब निकल चुके हैं। एक नो एक नो, कहाँ जा रहे हो? मैं जो ठीक से पकड़ दे, मोबाइल चला रहे हो मोबाइल चला रहे हो मोबाइल चला रहे हो। ऋषभ एकदम बिल्ली लग रहा है, बिल्ली। इसको टोपी कभी ढंग से नहीं मिलती, खींचता रहता है ये। लीली लीली जाने दे। ठंडी की वजह से सामान उमान ज्यादा हो गया है लिलिया। अरे तू क्या बोल रहा है, छोटका लिलिया बोल रहा है। फट जाएगा, तुम जबरदस्ती भर रही हो, तुम्हें क्या लगता है? जबरदस्ती ठूस ठूस के भरोगे तो क्या होगा? निकाल दी गया कपड़ा को, हटो ऐसे ना, बंद हो, हटो बंद करे, ऊपर चढ़ के बैग बंद हो रहा है। वजन भी कितना हो गया होगा, पड़ा रहेगा संदूक है। चार लोग का कपड़ा हो गया इसमें, ये जबरदस्त ज्यादा बड़ा हो गया ना, बड़ा इसीलिए लिए ताकि सबको उसी में आ जाए, एक में ही चार बैग ना ढोना पड़े। आ जाएगा ना, अब आ गया, नहीं तो बंद नहीं हो रहा था। छोटा मोटा सामान क्या क्या है? छोटा मोटा सामान जो मैं जाके स्वेटर सब पहन ले जा अपन अपन। ये तो मैं कपड़ा सही से रखूंगा ना अपना, सोचो पेट्रोल गाड़ी है, सीएनजी वाला होता तो और जगह नहीं रहता, सिलेंडर इतना बड़ा लगा रहता है। पन्नियां कपड़ा रख लिया ना, क्या करिए पन्नी पकड़ दी। तो हम लोगों की सारी तैयारी हो गई है और हम बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं और बहुत जल्द न्यू ब्लॉग के साथ सभी को करते हैं बाय बाय। और हम चलते हैं, कार ड्राइव करना है, ठंडी का टाइम है क्योंकि फॉग भी बहुत होंगे रास्ते में, थोड़ा आराम से स्लो से चलना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, मिलते हैं हरियाणा में, बाय बाय।